हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज है डे 5। अभी बज रहा है सुबह का 7 और मैं आज साइकिलिंग के लिए नहीं गया हूँ गाइस। लाइक डे 4 का शाम से ही काफ़ी और तबीयत ख़राब हो गया गाइस। सर्दी खांसी, थोड़ा बहुत उल्टी होने लगा, तो आज नहीं गया गाइस। जाऊँगा, मतलब बोला था ना सुबह नहीं जाऊँगा तो शाम को जाऊँगा। एंड अभी तैयार होकर थोड़ा मंदिर जा रहा हूँ। आज से हमारा सावन चालू हुआ है, आज सोमवार है। और लेट्स गो, एक महीना पूरा अभी प्याज लहसुन भी हम लोग नहीं खाने वाले। पूरा अच्छा प्रॉपर डाइट होगा आई नो, और डाइट पूरा प्रॉपर है गाइस। लेकिन आज सुबह बस नहीं गया हूँ, शाम को जाएंगे, लेट्स गो। और आज मम्मी, कल मम्मी भी आई हुई है, मेरा तबीयत खराब है तो मम्मी मिलने आई है मुझसे। आपको मम्मी से मिलाता हूँ, लेट्स गो। तो ये रही गाइस मम्मी, मम्मी हाय बोल दे सबको। और हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं गाइस, मम्मी भी पूरा तैयार हो चुकी है, लेट्स गो। सो राइट नाउ गाइस, अभी मंदिर से मैं आ चुका हूँ, जा रहा हूँ, अभी जीरा पानी लूँगा और ब्रेकफास्ट भी लूँगा। एंड आज मम्मी आई हुई है, सारा नाश्ता वगैरह थोड़ा अलग हिसाब से बनेगा आज। एंड लेट्स गो। थोड़ा सा आपको मैं बाल छोटा करवा लिया है, मैंने आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरा सर बाहर ही हो जा रहा था डेली सुबह सुबह, पता नहीं क्यों कैसे थोड़ा चेंजेस हुआ है इसलिए गाइस। फिर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, लेट्स गो। अब चलते हैं अपना जीरा पानी पीने के लिए, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है डे 5 का। आप देख सकते हो पपाया, बनाना और उसके साथ पाइनएप्पल। और मम्मी इसको पूरा तैयार कर रही है, पूरा लगी हुई है मम्मी उसका वो काटने में, जो चुभता है वाला पार्ट, जो पाइनएप्पल का सबसे हार्ड चीज़ है इसको काटना ही है। लेकिन खाने में जो मज़ा आता है ना गाइस, बता नहीं सकता। मैंने पपाया छील दिया, अब इसको पूरा काट कर तैयार करते हैं। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है, आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा मम्मी भी खाई, अकेले इतना नहीं खाऊंगा। बनाना दो खाऊंगा मैं, पपाया है और पाइनएप्पल। प्रॉपर डाइट के लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट है गाइस। सो गाइस, अभी लंच मेरा तैयार है, आप देख सकते हो। चौखेल बोलते हैं इसको उड़िया में, और साथ में चटनी है। मैंने 3 चौखेल लिया है, और आज मम्मी ने बोला यही खा ले आज, सब्जियों का थोड़ा कम था, मैंने आने भी नहीं दिया गाइस, इसलिए लेट्स गो। अपना लंच कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ घर से, आप देख सकते हो बारिश गिर रहा है, टोपी ले लिया हूँ मैं। एंड जैसे मैं मानेश्वर सेट जाता हूँ वहीं जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे आज। एंड आई डोंट नो गाइस क्या होने वाला है, बारिश हल्का हल्का गिर रहा है, पूरा एकदम रिमझिम रिमझिम टाइप। लेकिन मैंने हार नहीं माना, सुबह नहीं किया तो शाम को जाऊँगा जैसा कि बोला था। और ना गाइस, थोड़ा सा और लेवल अप करना होगा मेरे को। 1 वीक लाइक बॉडी को स्ट्रेचिंग किया, आदत बनाया, अब थोड़ा सा क्या ना और लेवल अप करना है। अभी 4:30 हो रहा है, मैं निकल चुका हूँ अभी मानेश्वर साइड के लिए। एंड थोड़ा शोज वगैरह भी नहीं चल रहा है गाइस, तो थोड़ा सा फोकस करना है म्यूज़िक पे भी बेसिकली। तो उसके लिए लाइक और जल्दी उठ कर थोड़ा सा और थोड़ा दूर दूर जाना है, और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करना है गाइस। आज 5 डे है, अच्छा लग रहा है कि अच्छा प्रॉपर डाइट हो रहा है। लेट्स गो, कंप्लीट करते हैं अपना 7-8 किलोमीटर। तो गाइस, मैं 8-9 किलोमीटर आगे आकर वापस जा रहा हूँ अब रिटर्न, आप देख सकते हो। और थोड़ा बारिश तेज हो गया अभी, पता नहीं 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है गाइस मेरा। एंड अभी इसको मैं घुमा दिया हूँ, थोड़ा सा और पीछे इसको बांधना है। मैं आई नो, मेरे को लग रहा है इसको पीछे बांधना है। थोड़ा सा बारिश भी तेज हो चुका है अभी। तो गाइस, गोप्रो का एक तरफ का से बैंड टूट चुका है, आप भी देख सकते हो गाइस। एंड काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है अभी रिकॉर्ड करने में। एंड जब मैं आ रहा था थोड़ा बारिश कम हो रहा था, अभी बारिश तेज हो चुका है। और हाथ को ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, कि ये मज़ा नहीं आ रहा है, कल से इसको चेंज कर दूंगा। एंड अभी मैं वापस जा रहा हूँ, 8.5 किलोमीटर आगे आया था आज। और 2-4 दिन जाए, 1 हफ्ता हो जाएगा, तो थोड़ा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा और दूर जाएंगे गाइज। और दोनों टाइम साइकिलिंग करने का प्लानिंग कर रहा हूँ अभी, एंड चाहे बारिश आए या तूफान, अब पूरा रेगुलर आना है गाइज। कल बैंड चेंज कर दूंगा इसका। बारिश थोड़ा तेज़ हो चुका है, आप देख सकते हो। फिलहाल मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ,
हैंड वॉच पे भी साइकिलिंग का सेट कर दिया हूँ। 20 मिनट्स हो चुका होगा, 30 मिनट्स आसपास साइकिलिंग करता हूँ गाइस मैं तो। सो गाइस मैं अभी घर आ चुका हूँ और राइट नाउ अभी 231 कैलोरीज मैंने बर्न किया विया साइकिलिंग। सो अब देख सकते हो गाइस इतना कैलोरीज बर्न हुआ है आज का। इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे गाइस, अचानक से ऐसे बढ़ाने से मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप पसीना देख सकते हो। और इसको बर्न करेंगे थोड़ा सा, अभी सुबह शाम में जाने में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं देख लिया ये चीज़। सुबह जाकर थोड़ा सा वो ब्रिज पहुंचना है, नेक्स्ट कल के बाद 6-7 दिन होने देते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जो ब्रिज ऐसे घूम के आने का जो बताया था आप लोगों को, तो आप ब्रिज जाएंगे 2 दिन के बाद से, वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पुशअप वगैरह करके देन वापस आएंगे ऐसे। फिर धीरे धीरे करते 10-15 दिन में ऐसे पूरा राउंड घूम कर आना है, लेट्स गो। तो गाइस उसके बाद अब चलता हूँ मैं, थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ, थोड़ा काम वगैरह कंप्लीट करता हूँ, फिर रात को आपका डिनर, आपको डिनर दिखाऊंगा क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। एंड अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ गाइस, एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप होऊंगा, ब्लैक कॉफ़ी लूँगा, थोड़ा सा क्लासेस तो नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगा, थोड़ा गाना वाना बनाना है मेरे को, लेट्स गो। नीचे जो लाइट है मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस मेरा वाईफाई लग रहा है, अभी शाम का 7 बज रहा है, ऊपर एयर फाइबर है ना, ये हमारा एयर फाइबर लग रहा है, वो हमारा एयर फाइबर है, शाम को भैया आए हैं। सो गाइस फाइनली लग चुका है हमारा राउटर, वाईफाई यहाँ पे, ये है वाईफाई और ये है सेटअप बॉक्स, और बहुत सारा खूबी है इसका, कैसे बताऊँ, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो एक अलग सा बनाऊँगा, इसका फीचर्स क्या है क्या नहीं। राइट नाउ जियो फाइबर सब लगाते हैं, एयर लगाया मैंने, जियो एयर फाइबर, इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा गाइस, इसको तो ये ब्लॉग पार्ट पर डाल रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो मेरा हॉटस्टार वगैरह सब कुछ चलने लगा है, पूरा HD में जैसा चाहता हूँ वैसा ये सेटअप बॉक्स से, पूरा मस्त, बहुत सारे फीचर्स है, वहाँ से ये आया है आप देख लो भैया। तो आज मैंने ये लगाया गाइस, इसका एक तो अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, पूरा अच्छे से बताऊंगा क्या फीचर्स है इसमें क्या नहीं, लेट्स गो। सो गाइस मेरा डिनर अभी तैयार है, 50 डे का, आप देख सकते हो मम्मी आई है गाइस, तो थोड़ा भयंकर भयंकर खाना खिला रही है, बाजरे का रोटी, मक्के का रोटी, ये मिक्स वेज है और साथ में मक्के का रोटी, ये मेरा डिनर है आज के लिए, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा डिनर खा रहा मम्मी के हाथों। तो गाइस ये ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं गाइस कल डे 6 पे।